से अब मैं कश्मीर के रास्ते पर निकल चुकी हूँ और हम अभी चिनानी में हैं और अभी हम नेशरी टनल से भी निकलेंगे, नॉट नेशनल, नेशरी टनल। यहाँ का व्यू देखो कितना अच्छा है। कजन है वो, उसका भाई है वो भी मेरा कजन है, वो मामू जी, नानी, मामी जी। अगर आप कभी भी नेशनल टनल में जा रहे हो तो कभी भी अपने विंडोज ओपन मत करना और एयर कंडीशनर लगा लेना। ये 9 किलोमीटर जिसको फोन किया था उन्होंने बोला हाँ अब मौसम ठीक हो गया, आप आ सकते हो, बस छोटी छोटी बारिश ही हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। फिर हम आए और यहाँ पर तो बिल्कुल भी बारिश नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है यहाँ पर तो पहले बारिश हुई थी। गाइस मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं छोटू से छोटी चीज़ भी रिकॉर्ड करूँ, सॉरी कि इतनी डिटेल नहीं मिल पाएगी क्योंकि अभी हम 4 घंटे चल चुके हैं और अभी 4 घंटे और चल रहे हैं, बहुत थकावट हो गई है गाड़ी में बैठे बैठे। गाइस मैंने बीच का सफ़र इसलिए नहीं आधा शेयर किया क्योंकि मेरा मन भी ख़राब हो रहा था, हेडेक भी हो रही थी, तो उस दिन मेरे को फील भी अच्छा नहीं हो रहा था, तो मैं ज़्यादा शूट वूट करना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैंने क्या नहीं, अब मेरे को जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो फिर मैं कर रही हूँ। तो मैं इतना भी पहले जब अभी हम ना पहुँचने वाले हैं, तो गाइस हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। गाइस ये रहा चिनार का ट्री। हम MLA हॉस्टल में रह रहे हैं क्योंकि मेरे पापा पहले XML रह चुके हैं, बहुत ही बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं। डॉगी इतना ब्यूटीफुल है, जस्ट लुक एट द व्यू एंड द गार्डन्स। ये है हमारा रूम, यहाँ पर बैठ सकते हैं हम, ये बेड एरिया बहुत ही सुंदर बना हुआ है जिसने भी बनाया, वेल डन। और ये रहा मेरा, और इतना खुला वॉशरूम, मैंने इतना एक्सेप्ट नहीं किया था, क्या बोलते हैं एक्सेप्ट, हाँ मैं क्या पता नहीं क्या बोल, बाहर भी देखते हैं बस मंकीज ना हो बाहर, देखो डर लगता है मंकी से। अच्छा एक और रबर, मारने खोलने के ऐसी बार में मंकी हूँ क्या पता, मम्मा ब्रेक कर देती, हिम्मत करके मैंने बालकनी खोल दी है। ओ वाह यहाँ से भी कितना प्यारा व्यू आ रहा है, आई लव इट, जस्ट सीरियसली लव इट।